आज इंशाल्लाह इंडिया को बारिश अल्लाह ने चाहे तो नहीं बचाएगी, लास्ट टाइम तो बच गई। और बीसीसीआई ने जो ये आज मैच रखा है ना, सिर्फ इसी उम्मीद पे रखा है कि उनको ये यकीन था कि आज बारिश होंगी, ताकि जो बारिश हो जाए और इंडिया की इज्जत बच जाए। अल्लाह ने चाह ना बारिश होगी और ना इंडिया की जो है वो आज हमेशा की तरह इज्जत बचेगी। मुझे तो डर है रोहित शर्मा का पेटी खराब होगा, मैच ही खेलने नहीं आएगा आज। रोहित शर्मा को तो समझ ही नहीं आ रही करना है क्या, आगे खेलना है पीछे खेलना खड़े होना है। मेरा गाला वो कहेगा तू ही खेल ले भाई, वो आज आएगा ही नहीं, आ गया तो फिर जल्दी चला जाएगा। ये हमारा पाकिस्तान जो है वो हमारे ही ब्रदर है, हमारे ही सारे ब्रदर है, लेकिन उनको समझ अभी नहीं आ रही है। लेकिन न्यू पीढ़ी आ रही है वो 100% समझेगी और ये हमारे भाई ने कहा है, हमारा इंडियन भाई ये हमें कह रहा है कि पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि 100% पाकिस्तान जीतेगा, हम 100% नहीं, हम 110% जीतेंगे। नहीं हो सकता, बंदा कल भी ऊपर था और आज भी ऊपर रहेगा। सर कहने के लिए तो 36 में 36 बातें हैं, वो तो वक्त बताएगा कि कब क्या होगा। अच्छा तो रोहित आज चलेगा? सर रोहित डिपेंड नहीं करता कौन चलेगा, डिपेंड ये करता भारत जीतेगा। अच्छा रोहित सूर्या को मैटर नहीं है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, पर भारत जीतेगा। कहते हैं क्या होगा आज? आज इंडिया जीतेगा और क्या होगा। अच्छा इसलिए बारिश ने बचा लिया उनको। अच्छा बारिश ने उनको बचा लिया कि उनकी बैटिंग नहीं आई। अच्छा आज पता लग जाएगा कि क्या होता है मैच। तो आज क्या लगता है आपको, रोहित आज खेल लेगा? रोहित खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। कोहली भी खेलेगा? कोहली तो जो हरीश राव ने बोला था कि ईशान किशन को जा उसका बदला आज लेंगे हमारे। अच्छा बदला भी लेंगे? कोहली ने देखा है उसको अच्छी तरह गौर करके देखा इस तो बात वो पाकिस्तानी कह रहे हैं हम हार्दिक पांड्या जो खेल गया अब इसको हम काम करके आए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है कोई बात नहीं। इंडिया तो कह रहे कि उस दिन हो गया, बार बार नहीं होगा, बार बार नहीं हर बार होगा, ये याद करेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान है क्या? अच्छा ये एक बार ये इतना अच्छा नहीं होता, बारिश होगी तो बारिश ने बचा लिया इनको। अच्छा वो तो कह रहे हैं कि आज नहीं, आज हम उस दिन जो थोड़ा बहुत पहले आउट हो गए थे अब नहीं होगा, आज हम भी इधर आप भी इधर ना देख लेते हैं क्या होता है। पाकिस्तानी फैंस हमारे साथ मौजूद हैं, दोस्त बताइएगा आज बड़ा मुकाबला है। बड़ा मुकाबला इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। पिछले बार तो बारिश हो गई थी इसलिए कुछ नहीं हो सका, मगर इंशाल्लाह इस बार बारिश। इंडिया वाले कह रहे हैं कि एक दफा आउट होता है, बार बार नहीं होता हर मैच। सर बारिश भी एक दफा होती है, बार बार नहीं होती। आपने देख लिया 258+ था सर स्कोर कोहली। वो कह रहे हैं हम बुमराह लेके आ गए हैं। सर बुमराह ले कोई मसला नहीं, हमारे पास भी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान टीम आज क्या कर रही है? पाकिस्तान टीम जो करती आई है इंडिया के साथ, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, फिर वही चीज़ आज भी करेगी इंशाल्लाह। वन साइडेड मैच होने वाला है। अच्छा वन साइडेड? हाँ इंडिया फेस नहीं कर सकता पाकिस्तानी बॉलर्स को। कल आपने देखा नहीं है, कल से बहाने इनके शुरू हो गए हैं इंडियन टीम के जी कि हमने तो कभी फेस नहीं किया, हमारे पास नेक्स्ट में इस तरह के बॉलर्स नहीं है, तो हम आदी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेल लें। तो वो तो अपनी तैयारी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बहाना हो मैच के बाद। अब एक इनिंग देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा। आपको लगता है कि इनिंग बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वो पाकिस्तान की? क्योंकि बॉलिंग लाइन स्ट्रांग है, इंडिया की बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, लेकिन क्या हुआ, रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, अपने शुभम गिल आउट हो गए, लेकिन ये ऐसा है कि वो पिच था बॉलिंग के लिए, बैटिंग वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, एक ही इनिंग के बाद पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि हम जीत गए, लेकिन ये है कि मैच पूरा होने के बाद हम डिसाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा।